जर्नी का किरदार करते हैं और इसमें बॉलीवुड में आपको ख्याति भी मिली इस किरदार में, तो क्या बचपन से ही आपने टारगेट रखा था कि हाँ मुझे बॉलीवुड में जाके गुंडे का किरदार? मुझे ऐसा कुछ गुंडे वंडे का नहीं, देखिए मैं जो स्कूल में गया था ना वहाँ में बोला जाता था सात रस होते हैं। अब पेंटल साहब ने मेरे साथ क्लासेस लिए हैं, अगर आप पेंटल साहब को जानते हो थोड़ा भी उनके बारे में, तो वो FTI में पढ़ाते हैं, असरानी साहब ने क्लासेस ली थी, मगर क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं था, हम लोग आए थे दिल्ली से, बड़ा हुआ कोलंबस से पढ़ा था, टेल्को के लिए काम किया 3 महीने, तो टॉप जॉब होता है वो, एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो घर पे तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था सर, मैं बताया ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे। तब एक शायद वो लोग चाहते थे कि शायद मैं IPS लिखूं, मुझे एक एंट्रेंस होता था, और मेरी रुचि उस साइड थी नहीं क्योंकि डैड का मैंने देखा बहुत हार्ड लाइफ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 10 साढ़े 10 से पहले मैंने विदाउट संडे उन्हें कभी देखा नहीं, कभी एक कमी याद है मुझे, एक छुट्टी ली है उनके साथ मैंने, 4 दिन के लिए गए थे हम लोग बस, मतलब जो लोग पुलिस को गालियाँ देते हैं मैं उस घर से हूँ जो मैंने देखा है। उसके बाद डैड ने 23 ईयर्स वर्क भी किया था, रिटायरमेंट के बाद 81 तक काम किया था, अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए काम करते थे एज अ कंसल्टेंट, ऑन सिक्योरिटी हेड थे, क्यों, क्योंकि काम करने की ज़रूरत थी, इट वॉज अ रेगुलर मिडिल क्लास, माई मदर वॉज ऑल्सो ऑन द टॉप, शी वॉज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होता स्कूल के में, प्रिंसिपल के बाद बंद हो जाता, PGT टीचर थी 11th 12th को जो पढ़ाते हैं, तो मतलब मैं उस घर से हूँ, जब दोनों पेरेंट्स का यही दबाव था, वही जो जैसे अपर मिडिल क्लास में होता है यार पढ़ लोगे नहीं तो क्या होगा, ऐसे वैसा, ग्रेट स्कूल कोलंबस मे बी द बेस्ट स्कूल इन दिल्ली एट दैट टाइम, मतलब लुक एट द पीपल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ, द एक्स गूगल हेड ऑफ द वर्ल्ड, वन पर्सन हु प्लेस्ड इन NASA, द चैप हु इन्वेंटेड क्लियर ट्रिप, दीप कलरा इज़ अ बेस्ट जूनियर टू मी, तो ऑल अक्रॉस, मतलब इट्स गिवन किड्स इन ऑल अक्रॉस सोसाइटी, सो नेचुरली वो जो हमारे फैकल्टी थी कुछ कमाली की रही होगी, तो इंजीनियरिंग भी किया, तो मतलब ऐसे ही नहीं कि अंगूठा छाप करके मतलब इंजीनियरिंग तो नहीं हो जाती ना, तो जो आपका सवाल है मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ना आप सोचिए कि आप मीडिया से हैं, ऐसा कुछ गुंडा और हीरो करके कोई कलाकार आता नहीं है, जब आप कला के लिए तैयार करते हैं ना, जैसे हम लोगों को, मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल सोचूंगा द लेट मुकुलानी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था, फिल्म का नाम था 10 42 दिन का एक आउटडोर किया था, इनफैक्ट संजू बाबा के साथ ये मेरी 5वीं फिल्म थी, पहली फिल्म मेरी उन्हीं के साथ थी, तो अच्छा लगा था, इसके बाद में 2 आउटडोर के लिए हम लोग गए थे, किर्गिस्तान गए थे, तो उस वक्त तो यही होता है कि यार सात रस होते हैं, ऐसा है वैसा ही है हुआ, मगर उस टाइम पे सिनेमा बहुत रिग्रेसिव था, 2000 में 2005 में 90s में, मेरे 2022 दिसंबर को डेब्यू हुआ था, 20वां साल है मेरा इंडस्ट्री में, तो रिग्रेसिव इस तरह था कि वो एक वो राम रावण ना बिल्कुल अलग अलग होते थे, एक कहानी में एक ये बुरा है एक ये अच्छा है, क्लियर होता था, अभी ऐसा रहा नहीं, अभी मैंने वो देखी है लूडो, ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स गॉट ऑनसॉम कास्ट, एवरीबडी इज़ प्लेइंग कैरेक्टर्स, मतलब हीरोज़ हैं कहने को, मगर एवरी वन हैज़ अ कैरेक्टर ओनली, मतलब ऐसा नहीं कह सकते ये फिल्म इसकी है उसकी है, वो एक ऑनसॉम की है फिल्म, क्योंकि कहानियाँ बेटर हो गई हैं, और वो श्रेय एक्चुअली किसी को भी नहीं जाता है, वो श्रेय जाता है ऑडियंसिस को, क्योंकि तब ऑडियंसिस को वो पसंद आता था तो वो चल जाता था, एक सीधा पिक्चर ली फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर दी, कई बार लोग कहते थे इंस्पायर और सीधी फिल्म बना देते थे, ऑडियंसेस इनोसेंट होती थी और ऑडियंसेस को अच्छा लगता था कि भाई एक बुरा एक अच्छा एक गुड ओवर ईवल स्टोरी वही होती है, और कैसे वो बोलेंगे आप स्टोरी वही इंटरेस्टिंग लगता है। राहुल जी, सबसे बड़ी अंदाजा की जो लड़ाई चल रही है।